हेलो एवरीवन, एंड टुडे हम पढ़ेंगे डिफरेंस इन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट और अकॉर्डिंगली परचेज बुक और परचेज अकाउंट। अब आप ये समझोगे कि ये जो डिफरेंस आप एक पढ़ोगे लेकिन आपका प्रिपेयर होंगे दोनों। तो सेल्स बुक आपने पढ़ा था, इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, वेयर एज सेल्स अकाउंट क्या है, ये आपका लेजर का पार्ट होता है। लेजर में आप सारे अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहां पर सेल्स अकाउंट भी बनता है, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, सबके साथ ये अकाउंट भी बनाया जाता है। सो सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स और स्पेशल बुक्स और स्पेशल जर्नल, वेयर एज सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। अब फॉर्मेट पे आते हैं तो जो बुक्स बनाते हैं, सेल बुक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये स्टेटमेंट है, इट डजंट हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, ये सिर्फ वन साइडेड स्टेटमेंट है क्योंकि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होनी है। तो वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लिखते जाएंगे सारी सेल्स और अमाउंट यहां पर दूसरी साइड में लिख के टोटल कर देंगे। तो जो हमारे टी शेप अकाउंट होते हैं ये उस फॉर्म में नहीं होती। वेयर एज सेल्स अकाउंट क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टी शेप अकाउंट। टी शेप मतलब ऐसे टी की फॉर्म में अकाउंट बनता है, एक तरफ डेबिट होता है एक तरफ क्रेडिट होता है। यहां डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहां सिर्फ ये सीरियल नंबर, डिटेल्स और अमाउंट, सिर्फ एक ही साइड समझ सकती है। देन कंटेंट्स, सेल्स बुक कंटेन्स ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी, वेयर एज सेल्स अकाउंट में आपके क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर पोस्टेड। तो आप क्रेडिट सेल्स पोस्ट कर देते हो सेल्स बुक से, इसमें सेल्स बुक में जितनी भी रिकॉर्डिंग की है उसका टोटल करके सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते हैं, और कैश बुक से कैश सेल्स को भी इसमें पोस्ट किया जाता है। सो सेल्स अकाउंट में सारी सेल्स आएंगी। सो इफ यू वांट टू नो कि आपके बिजनेस में टोटल सेल्स कितनी हुई है तो वो आपको सेल्स अकाउंट में मिलेंगी, वेयर एज सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। सो इट कंटेन्स ओनली क्रेडिट सेल्स, इट कंटेन्स बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स। फाइनली बैलेंसिंग, अब सेल्स बुक जो है ये एक स्पेशल लेजर है, स्पेशल बुक है, तो इसको आप टाइम टू टाइम पीरियोडिकली इसको टोटल करते हैं और इसका टोटल हम पोस्ट कर देते हैं लेजर अकाउंट्स में। तो इसको हम सेल्स अकाउंट में ले जाते हैं और जितने पर्सन्स के नाम है वो उनके पर्सनल अकाउंट्स में जाते हैं। सो इसको टोटल किया जाता है और टोटल अमाउंट को आप सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते हो। वेयर एज सेल्स अकाउंट क्या है, इट्स अ जर्नल, जर्नल हम क्लोज करते हैं ईयर एंड में। सो एट द एंड ऑफ द ईयर सेल्स अकाउंट इज टोटल्ड, सेल्स अकाउंट को टोटल करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर एंड अमाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इन केस यू रिमेम्बर क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, जितनी इनकम और एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जानी है, तो सेल आपकी ट्रेडिंग में चली जाती है। सो ये चार इसमें डिफरेंसेस है, पार्ट, फॉर्मेट, कंटेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। सिमिलर लाइन्स में आप परचेज बुक और परचेज अकाउंट का भी डिफरेंस कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको परचेज और सेल जो है ये टर्म्स रिप्लेस करनी है। जैसे पार्ट है तो सेल्स बुक आपकी सब्सिडियरी बुक्स का पार्ट है, परचेज बुक भी सब्सिडियरी या स्पेशल जर्नल का पार्ट होता है, ठीक है ना। अब सेल्स अकाउंट लेजर का पार्ट है, परचेज अकाउंट भी लेजर का पार्ट है। फॉर्मेट भी जैसे सेल्स बुक होती है वैसे ही परचेज बुक भी स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है, सेल्स अकाउंट के जैसे परचेज अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट टी शेप फॉर्म में बनता है। ओके, इन टी शेप फॉर्म, ठीक है। कंटेंट क्या है, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आती है तो परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगी। सेल्स अकाउंट में बोथ क्रेडिट एंड कैश सेल्स आएंगी तो परचेज अकाउंट में परचेजेस आएंगी, ठीक है ना। तो इसी लाइन पे आप अपना परचेज बुक और परचेज अकाउंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो सेम है, बस नाम बदल दो। सो व्हाट डू वी हैव हियर, कैसे हम करेंगे, पार्ट क्या हो गया, परचेज बुक इज पार्ट ऑफ स्पेशल जर्नल, परचेज अकाउंट लेजर का पार्ट है। फॉर्मेट क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म है और यहां पे डेबिट और क्रेडिट इन टी शेप फॉर्म, तो टी शेप फॉर्म जो होती है अकाउंट की उसमें बनता है। कंटेंट्स क्या है, ओनली क्रेडिट परचेजेस, बोथ क्रेडिट एंड कैश परचेजेस, अमाउंट इज ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट पीरियोडिकली। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, परचेज बुक का जो अमाउंट होता है वो पीरियोडिकली जाता है परचेज अकाउंट में। पीरियोडिकली मतलब आप सेट कर लेते हो कि वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली इसको ट्रांसफर करेंगे, बट परचेज अकाउंट जो है इसका क्लोजर होता है एंड में, और इसे कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। सो इस तरह से हम ये डिफरेंस प्रिपेयर कर सकते हैं परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट और सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट में। सो आई होप ऑल द थ्योरी इज
नोन टू यू नाउ. सो यू कैन लर्न दिस. इसमें थियरी क्वेश्चन में कई बार दो डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार एक आ जाता है, कई बार आपको सिंपल आ जाएगा व्हाट इज परचेज बुक, ओके, और उसके फीचर्स बताओ. तो परचेज बुक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. परचेज बुक की अगर डेफिनेशन लिखनी है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल जर्नल प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्योंकि जब डेफिनेशन आती है तो थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा ना कि ये क्या चीज है. तो ये डेफिनेशन है. अब फीचर्स क्या है, ये सारे फीचर्स हैं, ये चारों इसके फीचर्स हैं. इन्हीं को इकट्ठा कर दो तो डेफिनेशन बन जाती है. जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें उनको मिक्स कर देते हैं. जैसे यहां मैंने डेफिनेशन बनाने के लिए क्या मिक्स किया है, मैंने यहां पर लिखा है ये कंटेंट्स को इसमें ऐड कर दिया तो ये डेफिनेशन बन गई. फीचर्स लिखने हैं, यही इसके फीचर्स हैं. सिमिलरली परचेज अकाउंट है, इसकी डेफिनेशन बनानी है तो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर इन विच बोथ क्रेडिट एंड कैश परचेजेस आर ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. क्योंकि कुछ तो बताओगे ना कि क्या चीज है, क्या रिकॉर्ड होता है. तो वो डेफिनेशन हो गई और ये चारों इसके हो गए फीचर्स. सो आप सारे जो डिफरेंसेस हैं उनमें इस तरह से सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हो. मतलब एक बार आपने ये लर्न कर लिया तो आपका सेपरेट क्वेश्चन साथ के साथ प्रिपेयर हो रहा है. थोड़ा सा बस आपको ट्विस्ट करना पड़ सकता है कुछ लाइंस को या वर्ड्स को, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर बना सकते हो. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो यू कैन लर्न इट. सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग. Thank you.